जनता की सेवा करने में रोल निभाने वाले रविंद्र रैना जी, जो हमारे जम्मू में बीजेपी के जो प्रधान, जो प्रेसिडेंट, आप लोगों के बीच आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, पीर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, तो सब उनका तालियों से। सबसे प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पे बड़े आराम से था। और उसके साथ साथ 15 दिवसीय यज्ञ हवन का जो आयोजन किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष पर ये शुरू हुआ था 17 सितंबर से, और लगभग 7 अक्टूबर तक ये सभी भजन कथा कीर्तन यज्ञ हवन यहाँ जम्मू कश्मीर के जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बाबा चंचल जी के और इनके तमाम साथियों के प्रयासों से चल रहा है। हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं, मूल्य हैं, वो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करने से जीवन में सुख शांति आती है और व्यक्ति आध्यात्मिक और आत्मिक सुख प्राप्त करता है। ये जीवन नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आज नहीं तो कल ये शरीर व्यक्ति को छोड़ना है
और इस संसार में आकर मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या साधना करनी पड़ती है। और ये जो धर्म के जो कार्य हैं इस सारे क्षेत्र के अंदर हमारे पूज्य शास्त्री जी महाराज जी के प्रयासों से और हमारे बाबा चंचल जी और इनके तमाम साथियों के प्रयास से ये जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन सारे जम्मू के गांव गांव में किया जा रहा है, यही भारतीय संस्कृति हमारे धार्मिक मूल्यों से हमारी पहचान, यही जीवन का सत्य है, यही सच्चाई है कि हम सबको उस परमपिता परमेश्वर जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिस परमपिता परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, उसका स्मरण करें, धर्म का कार्य करें, धर्म की विजय पताका को हमेशा मजबूत करें, अपने देश, अपनी भारत माता, अपनी विराट हिंदू संस्कृति को हम और विशाल बनाएं, यही संदेश हमारे धार्मिक ग्रंथ देते हैं। और मैं हृदय से बाबा चंचल जी और इनकी सारी टीम और यहाँ माताएं बहनें जो बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।